रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर बात मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। सब कुछ देख रहा पहुंच करके शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है, हमको पता नहीं है, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोलने वाला ग्रंथ है, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। सर, दरभंगा एम्स को लेकर बात हो रही है कि दरभंगा एम्स कब तक बन जाएगा? सर हाँ बनेगा। कि माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रोफेसर भी हैं और उनके कहने का गलत अर्थ लगाया जा रहा है और अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है बीजेपी के पास असली मुद्दा नहीं है, तो वो इसी तरह के मुद्दे को लेकर के चाहती है कि हम भगवान राम के नाम पर राजनीति चमके। जीवन खत्म होने के पश्चात आप किस कुल के हैं ईश्वर यह नहीं देखते, ईश्वर तो सिर्फ आपके कर्म देखते हैं। समाज में भी मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से ही होती है, कुल और जाति से नहीं। महाभारत का युग कौरवों के बुरे कर्मों का परिणाम था, ठीक उसी प्रकार जो जातीय विद्वेष इस सरकार में बैठे लोग फैला रहे हैं उसका दूरगामी परिणाम भी काफी दुखद होगा। यह लोग सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी उसी का परिचायक है। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मानसिकता को दर्शा रही है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। धर्म निंदा, ईश्वर निंदा पर भारत के कानून में सजा का प्रावधान है, जिसमें 1 साल से 3 साल तक की कारावास की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है, और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत है तो इसे स्पष्ट करें। रामचरित मानस को समझने के लिए भगवान की भक्ति, विवेक एवं निर्मल हृदय चाहिए, जिसे ये कपटी मंत्री कैसे समझेंगे। दरअसल जब जब सत्ता लोलुप क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर पड़ने लगी है, तब तक वो समाज को जातियों में विखंडित कर अपनी राजनीतिक फसल को हरा भरा करने के प्रयास में जुट जाती है। आज राजद जदयू या दोनों दल उसी खेल में लग गए हैं। हमारे सनातन संस्कार में वसुधैव कुटुंबकम को माना गया है। हम पूरी दुनिया को अपने परिवार के रूप में मानने में विश्वास करते हैं। हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है, और जो कुल के नाम पर परमात्मा के संतानों में भेद करते हैं वो परमात्मा के प्रिय नहीं होते हैं, लेकिन समाज के अंदर हीनता ग्रसित अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जातीय उन्माद की भावना को फैलाकर आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। क्षणिक लाभ के लिए लोग जातीय भेद पैदा कर रहे हैं, जिसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। पर बिहार में जो है ना अफरा तफरी का माहौल हुआ है। इस बार पहली बार देखा गया है कि शिक्षा मंत्री ही तोड़ने का काम कर रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ की, धार्मिक चौपाई की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है और बिहार की स्थिति का भी वर्णन करती है। ये शिक्षा मंत्री जब शिक्षकों की भर्ती पर लाठियां चली तब नहीं बोले थे, मंदिर तोड़ दिया पर एक शब्द नहीं निकला इनके उससे, शराब में जहरीली शराब से मौतें इतनी ज्यादा हो गई उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन समाज तोड़ने की बात आई तो भाई उठ के खड़े हो गए। मैं अच्छा नहीं मानता इसको। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बोगस आदमी, जिस काम के लिए उनको सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया, उनको गंभीरता से छात्रों के, युवाओं के समस्याओं के समाधान पर काम करना चाहिए। विश्वविद्यालय का सत्र
पांच साल से सात साल तक लेट है। और यही नहीं, जो सीटीईटी एसटीईटी बीटीईटी जो अभ्यर्थी हैं उनकी समस्याओं का भी समाधान नहीं हो रहा है। जो मूल मुद्दे पर अगर सवाल पूछिए तो भाग खड़े होते हैं, गंभीरता से किसी बात पर जवाब नहीं देते हैं, और इस तरह से अनर्गल प्रलाप करके, धार्मिक बात करके, धार्मिक दुर्भावना फैला करके ये जो मुस्लिम तुष्टिकरण वाली राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई लाभ है क्या? बिहार के शिक्षा मंत्री को अपने अनर्गल बयानबाजी के लिए माफी मांगनी चाहिए, तेजस्वी यादव को भी माफी मांगनी चाहिए, और जिस काम की जिम्मेदारी उनको सरकार में मिली है उस काम को गंभीरता से अंजाम दे। इधर उधर की बातें करके लोगों का ध्यान भटकाना, लोगों की भावनाएं भड़काने का काम न करें।